जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धनबल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्यकर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार, आपकी आशा नामक कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन कार्यक्रम में हम जीवन की उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका संबंध हमारे जीवन और मृत्यु से है। आज का विषय है आश्चर्यकर्म और परमेश्वर। हमारे साथ अमर जी है जो हमें इस विषय के बारे में और बताएंगे। जी अमर जी, बताइए। मेरी तरफ से भी दर्शकों को नमस्कार। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो आरंभ से अंत तक, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आश्चर्य कर्मों से भरी है, क्योंकि परमेश्वर ये जानता है कि मनुष्य हमेशा, उसकी जो ज्ञान है सीमित है, और वो उसके लिए कई बार विश्वास करना उस जीवित परमेश्वर पर जिसने प्रकृति बनाई है, चांद तारे सूर्य बनाए हैं, कई बार मुश्किल है। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर विश्वास करता जो उसे नज़र आती हैं, लेकिन बाइबल एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताती है कि जो कई बार नज़र नहीं आता लेकिन हमारे हृदय में उपस्थित होता है। तो बाइबल में, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के विचारों की सीमा को जानता है, उसके तर्क संगति को जानता है, वो जानता है कि ये कई बार दुविधा में पड़ जाएगा, असफल हो जाएगा, खुद अपनी मर्जी से गलती करेगा, परमेश्वर का कहना नहीं मानेगा, और फिर क्योंकि वो हमें सबको प्रेम करता है, उसने हमें बनाया है और उसने सब चीज़ों को बनाया और उसमें सबसे परि हमको सर्वोपरि बनाया है, इसलिए उसको कई बार आश्चर्य कर्म करने पड़ते हैं। और बहुत बार तो आश्चर्य कर्म वो मनुष्य को बचाने के लिए करता है, और बहुत बार वो आश्चर्य कर्म अपनी महिमा को दिखाने के लिए करता है। उदाहरण के तौर पर एक बार ऐसा हुआ कि एक जो भविष्यवक्ता था एलाइजा, उसके जो चेले थे उन्होंने एक घर को बना रहे थे, छोटी सी बाग जहाँ से वो शिष्य वहाँ खुली जगह बना रहे थे जहाँ पर वो एकत्रित हो सके। तो वो जो कुल्हाड़ी थी, जब वो उसने कुल्हाड़ी का डंडा किसी से उधार मांगा, भाई हमें कुल्हाड़ी दे दो, वो पानी में गिर गया। तो ये जो भविष्यवक्ता था उसने क्या किया, छोटा सा पेड़ का जो एक तना उठाया और उसमें पानी में फेंका, कुल्हाड़ी तैरने लगी। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कानूनों के अनुसार कुल्हाड़ी नहीं तैरती। दूसरी परिस्थिति जो हम राजाओं की पुस्तक में पढ़ेंगे जो पुराने नियम में है, एक बार शिष्यों ने कुछ ऐसी चीज़ सब्जी तोड़ी जंगल में से और उसको बॉयल किया, बनाने लग गए, तो लेकिन जब वो बनाने लगे तो उसमें से उनको महसूस हुआ कि इसके अंदर जहर है, जैसे हम लोग मशरूम खाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं। तो उसने ये कहा कि हे गुरु, इसमें तो जहर है, उसने फिर उसको भी जहर को भी चंगा कर दिया। तीसरी एक ऐसी कहानी है, भविष्यवक्ता के पास लोग आए, उन्होंने कहा कि इस शहर में का जो पानी है वो ख़राब है, और जो भी इसकी वजह से जो हमारी स्त्रियां हैं उनके बच्चे नहीं पैदा होते, बांझ हो जाती। तो उसने उस शहर के पानी को भी चंगा कर दिया। आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि बाइबल में लाइलाज बीमारियों को चंगा कर दिया गया, यीशु ने किया और बहुत सारे भविष्यवक्ता ने किया। आप देखिए बाइबल क्या कहती है, आमोस की 3:7 पढ़िए, उसमें कि परमेश्वर के लोगों को क्या वरदान दिया गया है। जी, निस्संदेह प्रभु यहोवा जब तक अपने दास नबियों पर अपना भेद प्रकट नहीं करता तब तक वह कुछ भी नहीं करता। देखिए, जो उसके लोग होते हैं, जो उसके समीप होते हैं, जो समय परमेश्वर के साथ गुजारते हैं, जो अपना पूरा आत्मसमर्पण परमेश्वर को करते हैं, वे सब उसके रहस्य को जानते हैं। बाइबल में कहानी है
कि मोसेस के बारे में कहा जाता था, मोसेस जो था वो परमेश्वर के तौर तरीकों को जानता था, जबकि इसराइल के लोग परमेश्वर के कामों को जानते थे। बहुत बार बहुत से लोग जिनके संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ नहीं होते, वो अंदरूनी बातों या रहस्यों को और इनसाइट्स को नहीं जानते, लेकिन जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता होते हैं वो इस बात को जानते हैं। वही जो परमेश्वर के समीप होते हैं, बीमार आदमी जो मानसिक रूप से मनोरोग से ग्रस्त होता है उसकी दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं, कोढ़ को चंगा कर देते हैं, लाइलाज बीमारी को चंगा कर देते हैं। जिसके घर में, बाइबल में ऐसी भी कहानी है, एक विधवा का कर्ज था और वहाँ पर भविष्यवक्ता गया और उसने कहा कि मेरा जो हस्बैंड था, जो परमेश्वर का सेवक था, हमारे पीछे कर्ज छोड़ गया। कई बार जीवन में गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस भविष्यवक्ता एलाइजा ने कहा कि तेरे घर में क्या है, तो उसने बोला कि मेरे घर में थोड़ा सा तेल है। उसने कहा ऐसा कर, तू अपने पड़ोसियों से मर्दमान बड़े बड़े मांग ले। उसने मांगे और तेल को उसने जैसे हाथ लगाया या प्रार्थना की और वो धीरे धीरे सारे मर्दमान भर गए, इतने मर्दमान भर गए। उसके बाद बोला और मर्दमान, उसने कहा नहीं। जब वो मर्दमान का भरना ख़त्म हो गया और मर्दमान उपलब्ध नहीं हुए तो तेल रुक गया। तब भविष्यवक्ता ने उस स्त्री को कहा, ये जो तेल है इसको बेच दे और अपना कर्जा उतार और बाकी जो जीवन है, क्योंकि तू विधवा है, तो उस मनी उस पैसे से रह ले। तो हम लोगों के समाज में, हमारे देश में भी, बहुत हमारे दर्शकगणों के जीवन में भी कुछ लोगों के पास कर्जा होगा, कुछ लोग महंगाई से ग्रस्त हैं, कुछ लोगों का कभी पूरा ही नहीं पड़ता और कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी है, दुख तकलीफ है, संकट है, कुछ लोगों का कोर्ट केस है। तो कहाँ जाएं अगर हमारी परिस्थितियाँ हमारा सहायता नहीं देती, तो क्या करें। बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 11 में कि विश्वास एक अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दूसरे शब्दों में बाइबल का परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है हम बिना आश्चर्यकर्म को देखे ही परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है अगर हम उस पर विश्वास करें, उसका हाथ हमारे जीवन में आ सकता है। लेकिन हमारे जो मस्तिष्क है उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो पुरानी रूढ़िदारी विचारधारा जो हमारे बाप दादों से पूर्वजों से आई है, वो जो कहती है अरे परमेश्वर तो है ही नहीं, या परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है दान चढ़ाओ, चंदा दो, ये करो, वो करो, वो करो, वहाँ जाओ, ये जाओ, तीर्थस्थान में जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर को आप विश्वास से खुश कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी वो तरीका नहीं है। उसके बाद अगर हम अपने पापों को अंगीकार करेंगे और परमेश्वर के साथ अपने संबंध बनाएंगे, तो एक बाइबल में मार्कुस की जो अंजील है उसके 11 अध्याय में 23वीं आयत में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई पहाड़ है, जैसे आपके जीवन में कर्जे का पहाड़ है, कोर्ट केस का पहाड़ है, बीमारी का पहाड़ है, गरीबी का पहाड़ है, दुख तकलीफ का पहाड़ है, तो उस पहाड़ को कहो कि मेरे सामने से हट जा। क्योंकि तू आप अगर मुँह से कहिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पहाड़ हट जा, गरीबी का पहाड़ हट जा, और जब मुँह से आप ऊँचा बोलेंगे, बाइबल में वायदे हैं गरीबी के लिए, बीमारी के लिए, कर्जे के लिए, दुख संकट के लिए, जो बोलिए प्रभु आपने पहले ऐसे ऐसे परिस्थितियों में किया था, मेरे साथ भी करो, क्योंकि आप आज कल और आने वाले दिनों में एक जैसे हो। तो परमेश्वर उस पर्वत को हटाएगा, लेकिन जब आप मुँह से बोलेंगे ना ऊँचा ऊँचा, तो आपके कान सुनेंगे और कानों से में आपके अंदर विश्वास आएगा, आपके हृदय में विश्वास होगा। और जो तीसरी बात बाइबल कहती है कि आपको अगर किसी के विरुद्ध कुछ है जीवन में, किसी के खिलाफ आपने कुछ कड़वाहट है, गुस्सा है, परेशानी है, तो क्षमा कर दो। जब आप क्षमा कर देंगे तो धीरे धीरे, ये एकदम ओवरनाइट तो हो सकता है ना, हो सकता है आश्चर्य का ओवरनाइट भी हो, लेकिन धीरे धीरे एक प्रोसेस है और आपकी वो जो परिस्थिति है ठीक होने लगती है, क्योंकि आपने अपने जीवन यात्रा में परमेश्वर को संग लिया। हर प्रोग्राम में, कई प्रोग्राम में हमने बताया कि यीशु मसीह का नाम इमैनुअल है। अगर हम अपने पापों को अंगीकार करके उस पर विश्वास करेंगे तो इमैनुअल हमारे साथ आ जाएगा। जब जीवन यात्रा में इमैनुअल हमारे साथ आ जाएगा तो वो आश्चर्यकर्म करने लगता है। अगर आप नए नियम में पढ़िए, उसने बहुत आश्चर्यकर्म किए, मत्ती की अंजील 8:16-17 में पढ़िए किस तरह उसने दुष्ट आत्मा को दिखाया, बीमारों को 33-33, 40-40 साल के लोगों को बीमारों को चंगा किया, बियाबान में खाना खिलाया, इस तरह बहुत सारी बातें आपको ब्रेक के बाद और बताएंगे। जी मच्छी।
प्रभु, दीप सदा जलता रहे। I'm not afraid.
ब्रेक से वापस आने के लिए धन्यवाद। हम तेरे ही नाम से गीत सुन रहे थे। आशा करती हूँ कि आपको ये गाना पसंद आया होगा। हम अमर जी के साथ आश्चर्यकर्म और परमेश्वर के विषय पर सुन रहे थे। जी बताइए अमर जी। मैं आपको ये बता रहा था कि बाइबल का परमेश्वर आश्चर्यकर्म करता है, चमत्कार करता है, लेकिन मैं और मेरे को और आपको आश्चर्यकर्मों के लिए परमेश्वर के हाथ को मरोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये उसकी मर्जी है, वो चाहे तो करेगा, हम उसको मजबूर नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें परमेश्वर को आत्मसमर्पण करना चाहिए, उसकी मर्जी है, क्योंकि उसका प्रेम उसे बाध्य करेगा कि वो आश्चर्यकर्म करे। बाइबल का परमेश्वर मनुष्य के हित में काम करता है और जो उसे उचित लगे वो उसी तरह से करे। कई बार आपको आश्चर्यकर्म ये होगा कि आपके लिए वो जॉब का प्रबंध कर देगा, या आपके लिए इंटरव्यू का प्रबंध कर देगा, या आपको ऐसे विचार देगा कि आप फलानी फलानी जगह फ़ोन करो अपनी नौकरी के लिए, या आपको बीमारी के लिए ऐसा बोलेगा फलाने फलाने डॉक्टर को कांटेक्ट करो, या परमेश्वर अचानक ही सुबह आप उठेंगे आपको देखो कि आपकी बीमारी पूरी तरह से चंगी हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हैरान हूँ आप पिछले हफ्ते तो एक्सरे आपका ये दिखा रहा, ऐसा हो रहा है दुनिया भर में। बाइबल में एक कहानी है दूसरा राजा 20:1-11 की, उसमें एक हज़िकिया नाम का राजा था, पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था, वो बहुत अच्छा राजा था और उसको भविष्यवक्ता ने कहा कि तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बाइबल कहती है उसने जाकर टाट पहन लिया, परमेश्वर के आगे मंदिर में गया और रोने लगा, हे प्रभु मैंने तो सारी उम्र तेरी सेवा आराधना की है, लेकिन प्रभु अब मुझसे गलती हो गई, प्रायश्चित करता हूँ, क्षमा कर दे, मैं अभी मरना नहीं चाहता। और परमेश्वर ने उसको 15 साल का जीवन और दे दिया। और अगर मैं आपको बाइबल से पढ़ के सुनाऊं कि यहाँ पर आश्चर्यकर्मों की थोड़ी बहुत श्रृंखला नए नियम में जो यीशु मसीह ने किए, पहले तो आपको पुराने नियम से बताया, देखिए वो लिखा है एक सूबेदार का विश्वास। मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ, एक रोमन जो सिपाही था, सूबेदार था, जो 100 आदमियों के ऊपर सेंचुरियन कहते हैं अंग्रेजी में, वो था, वो यीशु मसीह के पास आया, बोला प्रभु मेरा एक बहुत प्रिय नौकर है घर में, वो बीमार है, आप चंगा कर दो। तो ऐसा था कि यीशु मसीह के पास लोग आते थे बियाबान में, जगह में, जंगल में, वो प्रचार करते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते थे, लोगों को चंगा करते थे। तो क्या हुआ, वो कहने लगा चलो मैं आपके घर चलता हूँ। उस सूबेदार ने कहा नहीं गुरु, आप मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तो पापी व्यक्ति हूँ, आप मेरे घर की छत के नीचे आओ, आप अपने मुँह से कह दो जो नौकर है वो चंगा हो जाएगा। तो बाइबल ये बताती है कि उसके विश्वास का प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कदर की कि मैंने आज तक ऐसा कोई विश्वास नहीं देखा, और जिस वक्त प्रभु ने कहा जा तेरा नौकर चंगा हो जाएगा, वहीं वो घर पर चंगा हो गया। इस तरह और बाइबल में कहानी है, उन्होंने आंधी को शांत किया, रोगियों को चंगा किया, और अब लिखा दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त मनुष्यों की चंगाई। और जब वह दूसरी ओर गदरनियों के प्रदेश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलकर उनसे मिले, वे इतने उग्र थे कि कोई भी उस मार्ग से नहीं निकल सकता, और देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा हे परमेश्वर के पुत्र हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू या हमसे हमें समय से पहले यातना देने आया। कुछ दूरी पर एक सूरों का झुंड चल रहा था, दुष्ट आत्माएं वहां से निकली और विनती करने लगी यदि तू हमें निकालना ही चाहता है तो हमें सूरों के झुंड में भेज दे। और उसने ऐसा कहा जाओ, और वह निकलकर सूरों में समा गई, और देखो वह पूरा झुंड वेगपूर्वक ढालू किनारे के समुद्र में जा पड़ा और डूब गया। चरवाहे भाग कर नगर में गए तथा दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्य पर जो कुछ भी बीता था उसी की बात का हाल सबको सुनाया, और देखो सारे नगर के लोग इस बात को यीशु से मिलने आए और वे हैरान हो गए कि यह आदमी दुष्ट आत्माओं को भी निकालता है। आगे आदमी को लकवा था, चंगाई हो गई, और एक लड़की थी जो मर गई थी उसको जिंदा कर दिया। इस तरह बहुत सारी बातें बाइबल के अंदर मनुष्य को विनाश, बीमारी, दुख तकलीफ, संकट से बचाने के लिए हैं। यीशु मसीह पानी पर चले, यीशु मसीह ने अपने दोस्त लाजरस को मुर्दों से ज़िंदा किया, जायरस की बेटी को ज़िंदा किया, ये कोई चमत्कार चमत्कार करने की प्रशंसा करने के लिए नहीं है। अंधे आदमी को रोशनी दी, 5,000 को खिलाया, पानी को दाखरस में बदला, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम परमेश्वर को आश्चर्य कर्मों के लिए नहीं ढूंढे, अगर वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है तो बहुत बड़ी बात है, और जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म ये होगा कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का मतलब है हमारा नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखा जाएगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है
परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरा नाम बुक ऑफ लाइफ में लिख गया, मुझे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इससे ज़्यादा और क्या ये चाहिए था। और बाइबल में ये भी लिखा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए कर दिया जाएगा। आपकी जो आँखें अगर कमज़ोर हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो सकता है, उसके बिना भी प्रभु चंगा कर दे। आमोस की पुस्तक 3:3 में ये लिखा है कि दो व्यक्ति कैसे कामयाब हो सकते हैं अगर वो एकत्रित हो चलें। अगर हम इमैनुअल के साथ, परमेश्वर के साथ एकत्रित होकर उसके साथ चलेंगे। और नीति वचन 16:7 ये भी कहती है कि अगर मेरे और आपके जो तौर तरीके हैं, हमारा जो चाल चलन है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो हमारे शत्रु भी हमारे साथ शांति से रहते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत शत्रु होंगे, कर्जा हमारा शत्रु है, बीमारी हमारा शत्रु है, दुख तकलीफ हमारा शत्रु है। तो इसके लिए अगर आप अपने जीवन में आशा चाहते हैं तो आप अपने संपर्क संबंध प्रभु यीशु मसीह पर बनाइए। आप अपने पापों को अंगीकार कीजिए, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए और वह आपके जीवन में हस्तक्षेप करेगा, आपके जीवन को परिवर्तित करेगा और आप बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन पाएंगे। आइए हम अपने दर्शक गणों के लिए प्रार्थना करते हैं। जी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपने दर्शक गणों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमने तेरे वचन के अनुसार उनको ये बताया कि आप आश्चर्य कर्मों के परमेश्वर हो। प्रभु, अगर उनके जीवन में आश्चर्य कर्मों की आवश्यकता है तो आश्चर्य कर्म कर। जो बीमार है, जो दुखी है, जिसके जीवन में लाइलाज बीमारी है, कर्जा है, दुख है, संकट है, तकलीफ है और ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे वो जिसको उसको कोई भी विकल्प नहीं नज़र आता और सुरंग में कोई भी रोशनी नहीं आती, प्रभु तू उसकी रोशनी भर, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और रास्ता हूँ। ये सब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। धन्यवाद अमर जी, आपने हमें इतनी अच्छी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। और मेरे प्रिय दर्शकों, आपको आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम अच्छा लगा। इस कार्यक्रम के बारे में अगर आप अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल, खत या फिर टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा और आपकी आशा नामक कार्यक्रम को देखते रहिए, जीवन में आशीष पाइए। अगले कार्यक्रम में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ बना रहे। धन्यवाद।